Sam, what is it, Marion? Tell me. It's good to see you. I must go. I know I'm a good friend. Motherfucker. वेलकम टू सिनेफाइल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक सिनेमा लवर हो या फिर आप एक सिनेफाइल हो। अगर आप लोग सिनेमा को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, इनफैक्ट अगर आप लोग हॉलीवुड मूवी को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, तो आप में से हर किसी ने एक नाम जरूर सुना होगा, क्विंटिन ट्रेंटिनो। क्विंटिन ट्रेंटिनो हॉलीवुड के उस डायरेक्टर में से आते हैं जिनकी मूवी को सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक क्रिस्टोफर नोलन। क्विंटिन ट्रेंटिनो ने अपने करियर में कई सारे आइकॉनिक मूवी दिए हैं, लाइक किल बिल, पल्प फिक्शन, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। ट्रेंटिनो कई सारे डायरेक्टर के इंस्पिरेशन है। लाइक बॉलीवुड की ही बात करें तो अनुराग कश्यप, जो की गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी बना रखे है, वो भी ट्रेंटिनो को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। लेकिन अगर मैं अभी ये बात बोल दूं कि क्विंटिन ट्रेंटिनो एक चोर है जो की अलग अलग मूवी से सीन को चोरी कर अपनी मूवी में यूज करते हैं, आप में से कई सारे लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन ये बात फैक्ट है। चलो आपको ट्रेंटिनो की और इंडियन मूवी के बीच के कनेक्शन की एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये बात है तब की जब अनुराग कश्यप अपना बर्थडे क्विंटिन ट्रेंटिनो के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वक्त अनुराग कश्यप ट्रेंटिनो से पूछते हैं कि आपने जो किल बिल में मांगा एनिमेटेड सीन दिखाया है, उसका इंस्पिरेशन आपको कहां से आया। ट्रेंटिनो अनुराग को बताते हैं कि एक्चुअली में इस सीन का इंस्पिरेशन उन्हें इंडियन सिनेमा से ही आया था, जहां पर वायलेंस को एक एनिमेटेड के तौर पर दिखाया गया था, और यही सेम चीज हमें किल बिल में भी देखने को मिलता है। ये मूवी थी 2001 में रिलीज हुई कमल हसन की अलवंदन, जिसका हिंदी नाम अवैध था, और यही चीज ट्रेंटिनो को बाकी सभी डायरेक्टर से अलग बनाता है कि वो अलग अलग मूवी से सीन को चोरी करते हैं। इनफैक्ट ट्रेंटिनो ने 1994 के एक इंटरव्यू में डायरेक्टली कहा था कि आई स्टील फ्रॉम एवरी सिंगल मूवी एवर मेड। मूवीज दैट वर कलेक्टिंग इन माय हेड फॉर ऑल द मूवीज आई सॉ, आई नेवर सॉ देम, आई सॉ अ फ्लैश ऑफ देम, आई सॉ अ मूवी दैट वुड हैव अ सीन that would be the aesthetic that I was looking for. Or they would play a song in a movie, and that would be the kind of song that I would use, and it would have the kind of feeling that I'd want a song to have in one of my movies, or a section of the movie. But it was never the whole enchilada. It was never that aesthetic that was in my head. Was never just there. In fact, ये कॉपी इतना एक्यूरेट रहता है कि एक ट्रू सिनेफाइल इजीली उस सीन को कैच कर लेगा और वो समझ जाएगा कि इस सीन को कहां से कॉपी किया गया है। लाइक बात करें ट्रेंटिनो की सबसे पहली मूवी रिजर्वायर डॉग्स की, तो ये मूवी टोटली 1987 में रिलीज हुई हांगकांग की क्राइम थ्रिलर मूवी सिटी ऑन फायर से इंस्पायर्ड है। सिटी ऑन फायर में दिखाए गए कई सारे ऐसे सीन हैं जो कि एक्यूरेट कॉपी हमें रिजर्वायर डॉग्स में देखने को मिलता है। सिर्फ यही मूवी नहीं बल्कि ट्रेंटिनो की बाकी सभी जो मूवी है वो भी किसी न किसी मूवी से इंस्पायर्ड है। लाइक 2003 में रिलीज हुई किल बिल मूवी जैपनीज मूवी लेडी स्लो ब्लड से इंस्पायर्ड है। की ब्राउन जो की 1974 में रिलीज हुई फॉक्सी ब्राउन से इंस्पायर्ड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेंटिनो जब कभी भी अपना मूवी बनाते हैं तो वो भले ही किसी मूवी से इंस्पिरेशन लेते हो, बट जब मूवी में कुछ सीन दिखाना होता है तो वो टोटली किसी न किसी मूवी से कॉपी कर लेते हैं। अब आप में से कई सारे लोग ये बात बोल सकते हो कि ये सभी सीन इंस्पायर्ड या फिर रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया है, और मैं इस बात पर एग्री भी करता हूँ, क्योंकि सिर्फ ट्रेंटिनो ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के भी कई सारे लेजेंडरी डायरेक्टर कई सारे अलग अलग मूवी से कॉपी करते हैं। लाइक सबसे बेस्ट एग्जांपल में SS राजामौली की ही बात करते हैं, जिनके RRR मूवी में कई सारे हमें ऐसे सीन देखने को मिले हैं जो कि अलग अलग मूवी से टोटली कॉपी लगता है। लाइक RRR मूवी में दिखाए गए इस हॉर्स और बाइक राइडिंग सीन को ही देख लो, जो कि 2007 में रिलीज हुई घोस्ट राइडर मूवी से टोटली कॉपी लगता है। और सिर्फ RRR ही क्यों, KGF 2 में भी तो हमें कई सारे ऐसे ही कॉपी सीन देखने को मिला था। लाइक मूवी में दिखाए गए वो आइकॉनिक सिगरेट सीन की ही बात कर ले तो भी एक मूवी से कॉपीड किया गया है। और इसी तरह अगर हम लोग देखने जाए तो कई सारे ऐसे मूवी देखने को मिलेंगे जो कि पूरी तरह कॉपीड किया गया है। इनफैक्ट बॉलीवुड की ही बात करें तो रिसेंटली एनिमल मूवी रिलीज हुई है जिसमें हमें एक गैलरी फाइट सीन देखने को मिलता है जो कि इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। और ये सीन 2003 में रिलीज भी कोरियन मूवी ओल्ड बॉय से इंस्पायर्ड है। उस मूवी में भी हमें यही सेम गैलरी फाइट सीन देखने को मिलता है। तो क्या मतलब हर डायरेक्टर चोर है और हर मूवी एक दूसरे से कॉपी किया गया है? वेल, हम लोग इसको कॉपी नहीं कह सकते हैं, हम लोग इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, रिसाइकल।
टेरेंटिनो को किसी ने ये नहीं सिखाया कि मूवी को डायरेक्ट कैसे किया जाता है। इंस्टेड टेरेंटिनो मूवी को डायरेक्ट करना मूवी को देखकर ही सीखा। टेरेंटिनो बचपन में वीडियो टेप स्टोर में काम किया करता था और यही एक रीजन था जिस वजह से आज टेरेंटिनो एक लेजेंडरी डायरेक्टर बन गया। टेरेंटिनो का हमेशा से यही कहना है कि नथिंग इज न्यू इन द आर्ट। जितने भी चीज हम लोग देखते हैं उन सभी को रिसाइकल किया गया रहता है और टेरेंटिनो यही करता है। टेरेंटिनो सिर्फ एक मूवी से नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग मूवी से अलग अलग सीन को चोरी करता है। बट यहीं पर तो टेरेंटिनो की खासियत है, भले ही टेरेंटिनो अलग अलग मूवी से सीन को चोरी करता हो पर जब वो अपनी मूवी में उस सीन को क्रिएट करता है तो एक न्यू ऑर्गेनिक सीन लगता है। लाइक जब आपने पल्प फिक्शन में ये स्क्वायर सीन देखा होगा तो आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि काफी यूनिक है, इससे पहले आप लोगों ने किसी मूवी में इस सीन को नहीं देखा। बट रियलिटी तो ये है कि यही सेम चीज हमें 1961 में रिलीज हुई द फ्लिंट स्टोन में देखने को मिला था। जैसा कि मैंने कहा था कि नथिंग इज न्यू इन द आर्ट, एवरीथिंग इज रिसाइकल। लाइक हेरा फेरी की ही बात कर ले, हम सभी को ये बात लगता है कि हेरा फेरी ओरिजिनल कॉन्टेंट है, बट रियलिटी तो ये है कि हेरा फेरी मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है। लाइक दैट पल्प फिक्शन कोई एक्सेप्शन नहीं है, रिसाइकलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल पल्प फिक्शन ही है। चाहे फिर इस मूवी में दिखाया गया वो स्क्वायर सीन का ही बात कर ले या फिर इस मूवी में दिखाया गया वो आइकॉनिक डांस सीक्वेंस का जो कि 1983 में रिलीज हुई 8.5 मूवी से बिल्कुल कॉपी की गई है। वहीं विंसेंट का डांसिंग स्टाइल को 1966 में रिलीज हुई बैटमैन मूवी से कॉपी किया गया है। और सिर्फ यही एक तो नहीं बल्कि डजन्स ऑफ ऐसे कई सारे सीन है जो कि डायरेक्टली कॉपी करके मूवी में यूज किया गया है। मूवी में दिखाई गई वो मिस्टीरियस सूटकेस जिसमें से लाइट निकल रही होती है वो एक्चुअली में 1955 में रिलीज हुई किस मी डेडली से इंस्पायर्ड है और ये चीज हर डायरेक्टर करता है। बट टेरेंटिनो इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक मूवी से नहीं बल्कि कई सारे मूवी से कॉपी करता है, वो भी आज के नहीं बल्कि आज से 50 साल पुराने मूवी तक को। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि किल बिल एक जैपनीज मूवी लेडी स्नो ब्लड से इंस्पायर्ड है, बट इस मूवी में दिखाए गए कई सारे ऐसे सीन है जो कि अलग अलग हांगकांग के मूवी से इंस्पायर्ड है। लाइक पूरे मूवी में जो उमा थर्मन येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई रहती है वो एक्चुअली में 1978 में रिलीज हुई ब्रूस ली की मूवी गेम ऑफ डेथ से इंस्पायर्ड है। पल्प फिक्शन का वो बाथरूम सीन जो कि 1975 में रिलीज हुई थ्री डेज ऑफ द कॉन्डर से इंस्पायर्ड है। बट फिर भी टेरेंटिनो की मूवी को आइकॉनिक मूवी माना जाता है क्योंकि टेरेंटिनो रिसाइकल करना अच्छी तरह से जानते हैं, वो हर चीज को बेहतर तरीके से दिखाते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक लगे। और हर डायरेक्टर में यही खासियत होनी चाहिए, आप रीमेक कर सकते हो, आपको रीमेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप उसको उससे बेहतर बनाओ। वेल आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ और आपको टेरेंटिनो की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगती है लेट अस नो इन द कमेंट। एंड प्लीज वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके।